तो दोस्तों ये है वो तीन मूवी जिसे समझने के लिए आपको अपना दिमाग में काफी ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। क्रिस्टोफर नोलान की मूवी को एक बार के लिए समझा जा सकता है, लेकिन ये है वो तीन इंडियन मूवी जिसे समझने के लिए आपको काफी हाई लेवल का प्रो ऑडियंस होना पड़ेगा। इस लिस्ट का जो पहला मूवी है उस मूवी का नाम है चुरुली। बेसिकली चुरुली का मतलब होता है स्पाइरल, मतलब कछुआ का जैसा गोल गोल। दोस्तों ये एक मलयालम मूवी है लेकिन ये हिंदी में सोनी लिव ऐप में अवेलेबल है। तो दोस्तों इस मूवी की जो शुरुआत होती है, दो पुलिसकर्मी जो एक खुफिया मिशन में जॉय नामक अपराधी को पकड़ने के लिए एक जंगल में जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद जब वो जंगल में जाती है और जो उन लोग को दिखाई पड़ता है ये काफी समस्या पड़े है। और अंत में जब इसका क्लाइमेक्स आता है तो आपके दिमाग से सीधा बाउंसर ही चला जाएगा। लेकिन इसको आप समझ सकते हैं इस मूवी को, लेकिन इसके लिए आपको दिमाग में काफी ज्यादा जोर डालना पड़े। तो दोस्तों इस लिस्ट का दूसरी मूवी उस मूवी का नाम है सैल्यूट। दोस्तों ये दुलकर सलमान की मूवी है जो सोनी लिव ऐप में हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन इस मूवी की जो खासियत है वो ये है कि जिस अपराधी को पकड़ने के लिए इतना तामझाम करती है पुलिस, उस अपराधी को एक बार भी फिल्म में नहीं दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है काफी बढ़िया, काफी शानदार है। इस क्लाइमेक्स को आप अपने हिसाब से कैसे भी ले सकते हैं और इसे समझा जा सकता है, लेकिन आपके दिमाग में काफी ज्यादा जोर पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस लिस्ट की जो तीसरी मूवी है, इस मूवी का नाम है केपी रणसिंघम। बेसिकली दोस्तों इस मूवी को जो है पॉलिटिकल ड्रामा की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन कहीं से भी मुझे ये ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये जो है सोशल ड्रामा के ऊपर मूवी आधारित है। काफी अच्छा मैसेज देती है, काफी अच्छा मूवी है। ये मूवी जो है फ्लैट जाती है, लेकिन जो क्लाइमेक्स का 2 मिनट है वही इस मूवी का जो है मेन पार्ट है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट में है विजय सेतुपति और ऐश्वर्या राजेश। विजय सेतुपति मेरा फेवरेट है और उनकी हर मूवी में देखता हूँ। तो अगर आप प्रो ऑडियंस है तो जाइए इन तीन मूवी को देखिए, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो का लाइक कर दो और शेयर भी कर।